नमस्ते बच्चों, आपका एक शब्द पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम चित्रों के नाम पढ़ेंगे और जानेंगे, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दूसरा है बच्चे चित्रों को पहचान कर उनके शब्दों को बोलने और लिखने में समर्थ होंगे। और तीसरा है बच्चे शब्दों से वाक्य बनाकर लिखने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र के संबंधित चित्रों के नाम लिखिए। तो देखो, इस चित्र के संबंधित मैंने चित्रों के नाम लिखा है। मैं इन चित्रों के नामों को पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे दोहराइए। झूला, हंसना, मस्ती, दोस्त, पेड़ पौधे, मेंढक, बादल, सूरज, तितली, बिल्ली। तो बच्चों, इन शब्दों को दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, दिए गए चित्रों के नामों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो बच्चों, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाकर लिखना है। तो मैंने झूला शब्द से वाक्य बनाया है, सुमन झूला झूल रही है। तो बच्चों, जैसे मैंने झूला शब्द से वाक्य बनाया है, इसी तरह आप भी दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। और यह गतिविधि आपको अपनी कॉपी में पूर्ण करनी है। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनसे संबंधित चित्रों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इस चित्र में आपको दिख रहे चीजों के नाम आपको लिखना है। और मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, पाठशाला। तो जैसे मैंने यहाँ पर पाठशाला लिखा है, इसी तरह आपको भी इस चित्र में दिख रहे चित्रों के नामों को लिखना है और यह गतिविधि को पूर्ण करनी है। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, ऊपर दिए गए चित्रों के नाम लिखकर चित्र के संबंधित शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो बच्चों, मैंने पाठशाला शब्द से यहाँ पर वाक्य बनाया है, सभी बच्चे पाठशाला जा रहे हैं। जैसे मैंने पाठशाला से वाक्य बनाया है, इसी तरह आप भी पहले चित्रों के नाम लिखिए और उनसे वाक्य बनाकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आपका आज का गृह कार्य है, किन्हीं दो चित्रों को अपनी कॉपी में चिपकाकर चित्र वर्णन कीजिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। तो यह कार्य आपको अपनी कॉपी में पूर्ण करनी है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।